मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अवर थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड वी वर ऑन पेज नंबर 14. वी हैव डन टू पैराग्राफ, फर्स्ट टू पैराग्राफ ऑफ पेज 14 एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ. अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो ईश्वरन जो है महेंद्र को एक मैड एलिफेंट की, एक टस्कर की स्टोरी सुना रहा है. और लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो टस्कर जो है स्टोरी स्टार्ट की तो वो पागल हो गया था और इधर उधर पैर पटकते हुए भाग रहा था. तो ईश्वरन भी एक्साइटमेंट में इतना खो गया था वो कि वो खुद भी खड़ा हो गया, जंप करने लगा और उस एलिफेंट की तरह ही स्टैम्प पैरों को पटकने लगा फ्लोर पर, फर्श पर. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन. अब वहां से वो टिम्बर यार्ड से निकल कर एलिफेंट जो है हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स बोलते हैं सरहद, उपनगर, बाहर का जो एरिया होता है सरहद का एरिया, वहां पर पहुंच गया था. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. और वहां की जो फेंस थी, बाढ़ फेंस किसको बोलते हैं, चारों तरफ जो बाढ़ लगा देते हैं ना, उसको फेंस बोलते हैं. तो उसको वो इस तरीके से तोड़ रहा था जैसे कि माचिस की तीलियां हो, मैचस्टिक हो, मतलब इतना इजीली तोड़ रहा था. और ये आगे फिर ईश्वरन ने स्टोरी में आगे कंटिन्यू किया. इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स. अब वो जो है वहां से मेन रोड पर आ गया और स्मैश मीन्स होता है झटके से तोड़ देना, ठीक है. तो उसने क्या किया, वो जो सेलिंग फ्रूट्स सेलिंग स्टॉल थी, फलों को बेचने वाले जो स्टॉल लगा देते हैं, छोटे छोटे दुकानें जो होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनको जो है तोड़ दिया. मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और कपड़े और मिट्टी के जो पॉट थे, गमले थे, जो भी था, सबको उसने तोड़ दिया. पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. पैनिक, डर में, घबराहट में लोग जो है अस्त व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे. हेल्टर स्केल्टर होता है अस्त व्यस्त. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. अब वो हाथी जो है ब्रिक वॉल, मतलब जो ईंट की दीवार बनी हुई थी स्कूल की, उसको तोड़ते हुए वो जो है स्कूल ग्राउंड में एंटर हो गया जहां पर की बच्चे खेल रहे थे. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स. अब जैसे ही उन्होंने हाथी को देखा, दीवार तोड़कर हाथी आया, तो वो भागकर क्लासरूम में चले गए एंड शट द डोर्स टाइट, और क्लासरूम के गेट को टाइटली बंद कर दिया. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वैंडर्ड अबाउट. ग्रंट मीन्स होता है एक ग्राउल, घुर्राना, है ना. ग्रंट मीन्स होता है गुस्से में घुर घुर की आवाज निकालते हैं ना जानवर, उसको ग्रंट बोलते हैं. अब वो जानवर जो है, वो एलिफेंट जो है, वो ग्रंट कर रहा था, घुरघुरा रहा था. एंड वैंडर्ड अबाउट, वैंडर्ड होता है इधर उधर ऐसे ही बेवजह घूमना, इधर उधर घूमने लगा. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. और इधर उधर जब वो हो रहा था तो वो कर क्या रहा था, उसने जो फुटबॉल के गोल पोस्ट थे फुटबॉल ग्राउंड के, उनको उखाड़ दिया, निकाल दिया. टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट लगा था उसको फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर. पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उनको किक मारा और उनको पैर से दबा के फ्लैट कर दिया, बिल्कुल चपटा बना दिया. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ जो छोटी मोटी झाड़ियाँ पौधे लगे हुए थे उनको उखाड़ दिया. मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. मीन वाइल, इस दौरान जब वो ये सब कर रहा था, फुटबॉल के गोल पोस्ट उखाड़ रहा था, वॉलीबॉल का नेट फाड़ रहा था, वह पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उनको दबा रहा था, फ्लैट कर रहा था और पेड़ पौधों को फाड़ रहा था, तो इस दौरान सारे टीचर्स जो हैं वो टेरेस, स्कूल की जो टेरेस, बिल्डिंग की जो टेरेस है, सबसे ऊपर छत है, वहाँ पर चले गए थे. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट. डेप्रीडेशंस होता है विध्वंस, जो तबाही वो कर रहा था. अब वहां से वो लोग निसहाय जो है हाथी की जो वो तबाही है, वो जो विध्वंस वो कर रहा था, वो देख रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. और वहां नीचे जमीन पर कोई भी आत्मा नहीं थी. आत्मा कहने से मतलब है कोई भी व्यक्ति नहीं था वहां पर. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड. इनहेबिटेंट्स, निवासी. अब गलियां जो थी वो बिल्कुल खाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर के जो निवासी हैं वो अचानक से कहीं गायब हो गए. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. अब ईश्वरन बता रहा है, आगे स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है तो बता रहा है, मैं उस समय जूनियर क्लास में था, मतलब कोई छोटी क्लास, अप टू सिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और ये सारा ड्रामा जो है, नाटक जो हो रहा था, हाथी जो कर रहा था, ये सब मैं ऊपर छत पे से देख रहा था. आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली. और मैं नहीं जानता कि अचानक से मुझ में क्या आ गया. आई ग्रैब द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन. ग्रैब मीन्स होता है झटके से छीन लेना.
मैंने क्या किया, वो कहने लगा कि पता नहीं मेरे में अचानक क्या आ गया, मैंने एक टीचर के हाथ में से केन को झटक के छीन लिया और नीचे स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे भागा और नीचे खुले में चला गया जहाँ पर वो हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हैड इन इट्स ट्रंक। अब हाथी क्या हुआ, ग्रंट मतलब वही घुरघुरा रहा, गुस्से में घुरघुरा रहा था। एंड मीनसिंगली, मीनस मीन्स होता है धमकी देना, मतलब बहुत ही आक्रामक रूप में उसने क्या किया, स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, जो उसने अपनी सूंड में जो पेड़ की बड़ी सी शाखा पकड़ी हुई थी उसको बहुत तेजी से फेंक दिया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को पटका, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जमीन पे जो मिट्टी और धूल थी उसको अपने किक से उड़ा रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये जो था बहुत डरावना दिखता था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा, स्टिक इन हैंड, और अपने हाथ में वो स्टिक थी, वो केन थी जो उसने टीचर से ले ली थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, हाउस टॉप्स मतलब घर की छतों से। अब लोग जो हैं, ये पूरा सीन जो है हिप्नोटाइज होता है समोहित होकर, एक नज़र वो सब जो है इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, वो हाथी जो है मेरे तरफ लाल आंखों से देख रहा था, मतलब गुस्से वाली आंखों से देख रहा था, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ भागने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, ट्रम्पट मीन्स हाथी की आवाज़ को बोलते हैं चिंघाड़ना। अब उसने क्या किया, अपनी सूंड उठाई और वो बहुत जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड टूवर्ड फॉरवर्ड एंड, और उस क्षण मैं आगे बढ़ा, और उसने क्या किया, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, फोर्स मीन्स ताकत, मस्टर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके एकजुट करके, वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। अब उसने क्या किया, वैग मीन्स होता है जोर से प्रहार करना, थर्ड टोनेल पैर की जो तीसरी उंगली समझ ली, उसका तीसरा टोनेल जो था उस पर बहुत तेज, और तेज मतलब बहुत जोर से भी, और क्विक मतलब बहुत तेजी से भी उसने प्रहार कर दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट, अब वो जानवर जो था हाथी जो था वो एक क्षण के लिए स्टंड मतलब ऐसे बिल्कुल स्थिर, कुछ हिला डुला नहीं हुआ। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, शिवर मीन्स होता है हिलना, तो तब एक क्षण तो वो स्टन रह गया, बिल्कुल सिर खड़ा रह गया, और उसके बाद वो पूरा सिर से लेकर पैर तक कांपा एंड कोलैप्स, और फिर ढह गया और फिर नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब इस पॉइंट पर ईश्वर ने जो है अपनी स्टोरी को बिना खत्म किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बल मीन्स बुदबुदाते हुए, और बुदबुदाते हुए खड़ा हो गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं जो हूँ अब डिनर को गैस को जला के और डिनर को गर्म करके फिर आता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग द रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब महेंद्र जो स्टोरी को जो है बहुत रैप्ड अटेंशन मतलब मगन होकर सुनना, पूरे मगन होकर सुन रहे थे, वो जो है बीच में लटकता हुआ रह गया, हैंग मीन्स लटकना होता है, लटकता हुआ रह गया। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. और जब वो वापस आया तो ईश्वरन ने जो है स्टोरी को वापस से स्टार्ट नहीं किया। Mahindra would have to remind him that the conclusion was pending. Mahindra ने जो है उसको remind कराया कि वो जो conclusion है, जो last final result जो है वो अभी pending है, मतलब story अभी end नहीं हुई है। Okay, clear? Now enough for today. We will continue in our next video.